न्यूज़, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज़ लाइव। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के हेडलाइन पर। ठगी के दो मामले, एफसीआई और वेस्टर्न कोलफील्ड में नौकरी लगाने का झांसा। एमबीए के छात्र को नौकरी दिलाने के नाम पर पिता पुत्र ने उसे करीब 12,80,000 रुपए ठग लिए। मामले में पीड़ित मृणाल नंदूजी राजूरकर कारला चौक वर्धा का निवासी है। एमबीए के छात्र को नौकरी दिलाने के नाम पर पिता पुत्र ने उसे करीब 12,80,000 रुपए ठग लिए। मामले में पीड़ित मृणाल नंदूजी राजूरकर कारला चौक वर्धा निवासी की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी आशीष राजनकर को और उसके पिता मोरेश्वर राजनकर नागपुर निवासी पर धारा 406 420 के तहत मामला दर्ज किया है। आशीष राजनकर ड्राइविंग स्कूल का मालिक है। मृणाल राजूरकर एमबीए की पढ़ाई के लिए प्रताप नगर में किराए से रहता था। उसे नौकरी की आवश्यकता थी। उसने इस बारे में अपने दोस्त मयूर मांगे व साहिल पठान से चर्चा की थी। मयूर और साहिल ने उसकी राजनकर से मुलाकात कराई। मृणाल को दोस्तों ने बताया कि आशीष ड्राइविंग स्कूल का मालिक है, वह नौकरी लगा सकता है। तब मृणाल ने दोस्तों के साथ आशीष से मुलाकात की। आशीष ने उसे बताया कि उसके पिता मोरेश्वर आयकर विभाग नासिक में क्लास 1 अधिकारी है। उनके पहचान से मैं नौकरी लगाता हूँ। इसके बाद आशीष ने मृणाल को नौकरी के कुछ विज्ञापन व अन्य स्थानों के नौकरी संबंधी दस्तावेज भी दिखाए। आशीष ने मृणाल को पहले एफसीआई गोदाम में ट्रेनिंग मैनेजर पद की नौकरी 8,50,000 रुपए में दिलाने की बात की थी। अगली खबर, चिखलदरा में बाल विवाह, 15 वर्षीय बच्ची ने दिया बच्चे को जन्म। बाल विवाह को लेकर भले ही जनता में कितनी भी जागरूकता हो, लेकिन महाराष्ट्र के कोने कोने में आज भी बाल विवाह के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे ही एक चौंकाने वाली घटना जिले के चिखलदरा तालुका से भी सामने आई है। इस मामले में चौंकाने वाली बात सामने आई है कि 15 साल की नाबालिग लड़की ने बच्चे को जन्म दिया। बाल विवाह कानून अपराध है। चिखलदरा तहसील में रहने वाली एक लड़की की शादी उसके रिश्तेदारों ने एक युवक से कर दी थी। इसी बीच लड़की ने एक बच्चे को जन्म दिया। इस मामले में गाड़गे नगर पुलिस ने नाबालिग बच्ची के पति समेत उसके ससुर और सास के खिलाफ बलात्कार, पोक्सो और बाल विवाह कानून के तहत मामला दर्ज किया है। चिखलदरा तहसील की यह एक नाबालिग लड़की को प्रसव पीड़ा होने पर अचलपुर उपजिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसी बीच अचलपुर की नाबालिग गर्भवती लड़की को अमरावती जिला महिला अस्पताल लाया गया। महिला अस्पताल में एक नाबालिग लड़की की डिलीवरी हुई, लेकिन जब उन्हें पता चला कि वह लड़की छोटी है, मेडिकल सिस्टम ने गाड़गे नगर पुलिस को इसकी जानकारी दी। इस मामले में पुलिस ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने और 15 साल की उम्र में उससे शादी करने के आरोप में उसके पति के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। आगे की जांच पुलिस कर रही है। इसी के साथ देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ जुड़े रहे और देखते रहे एमएनएस न्यूज़ लाइव। नमस्कार।